अभी तक आपने हिमालय के योगियों के बारे में सिर्फ सुना ही होगा, लेकिन आप ये पूरा वीडियो देखिएगा जिसमें हम बताएंगे एक अद्भुत योगी के बारे में जो हिमालय पर रहते हैं। कहा जाता है कि हिमालय पर कई योगी हैं जिनकी उम्र सैकड़ों साल है, लेकिन कभी इनकी झलक भी दिखाई नहीं दी। लेकिन आज हम आपको मिलवाते हैं शून्य से कई डिग्री नीचे के तापमान पर सिर्फ लंगोट में साधना कर रहे योगी से। कहा जा रहा है कि शून्य से करीब 20 डिग्री नीचे बर्फ के बीच में ये योगी रहते हैं। इनकी उम्र कितनी है कोई नहीं जानता। इंटरनेट पर बेहद तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो को इंडियन आर्मी के किसी सैनिक ने बनाया है। इस वीडियो में दिखाई देता है कि इंडियन आर्मी के सैनिक इस साधु की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं और सैनिकों के पास ब्लूटूथ स्पीकर पर भजन भी चल रहे हैं। सैनिकों को इस बियाबान निर्जन स्थान पर किसी इंसान की मौजूदगी से पहले तो हैरत होती है और वे सावधान हो जाते हैं, लेकिन फिर वो वीडियो बनाने लगते हैं और सामने का नजारा देख कर चौंक जाते हैं। शून्य से कई डिग्री नीचे के तापमान पर आखिर कोई इंसान कैसे बिना कपड़ों के जी सकता है? ये कोई योगी है, कोई बहरूपिया या फिर सैनिक कोई चमत्कार देख रहे हैं? इन योगी को देखकर सैनिक जय श्री राम चिल्लाने लगते हैं। श्री राम लो यार बाबा इसमें जय श्री राम जय श्री राम लेकिन योगी तो मानो अपनी ही फकीरी मस्ती में चले जाते हैं। योगी के साथ एक कुत्ता भी नजर आता है और योगी के साथ वो ऐसे घुला मिला नजर आता है मानो सालों से वे एक दूसरे के साथ हो। सैनिक इस योगी को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने ही आत्मानंद में मस्त ये साधु पहाड़ की चोटी से नीचे उतरने लगते हैं। उछलते कूदते बर्फ पर फिसलने लगते हैं और उनका साथ देता है उनका ये खास कुत्ता। थोड़ी देर के बाद ही ये योगी आंखों से ओझल हो जाते हैं, लेकिन सवाल बहुत सारे अधूरे रह जाते हैं। आखिर इतनी ठंड में बिना कपड़ों में भी ये योगी कैसे जिंदा है? क्या इनकी कोई झोपड़ी है या फिर गुफा है? ये कहां से आए हैं? इनकी उम्र क्या है? ये किस इलाके में रहते हैं? सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन जवाब कोई भी नहीं। कहा जाता है कि योगी अपने शरीर को अंदर से इतना गर्म कर सकते हैं कि बाहर की ठंड का उन पर कोई असर नहीं पड़ता। तो क्या ये ऐसे ही कोई सिद्ध योगी है? ये ऐसे महापुरुष है जिनका वर्णन शास्त्रों में मिलता है? सवाल तो बहुत सारे, लेकिन जवाब कोई नहीं। अभी तो हम यही कह सकते हैं कि सनातन धर्म अद्भुत है।